हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक देखेंगे जिसे मांग का विस्तार कहा जाता है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। आखिर ये क्या होता है, हम पहले टेक्स्ट देखेंगे इसका, उसके बाद एक कर्व के माध्यम से इसको समझेंगे। देखिए, अन्य बातें समान रहने पर यदि कीमत की कमी के बाद प्राइस की कमी हो जाए, वस्तु की मांग बढ़ जाती है, तो यह मांग का विस्तार यानी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहलाता है। पहले 50 रुपये थी, वो 40 रुपये पर आ गई, ठीक है, तो उसकी क्या हुआ, उसकी डिमांड बढ़ गई। इसी को एक्सटेंशन ऑफ डिमांड यानी मांग का विस्तार कहा जाता है। ये मांग का विस्तार का कर्व होता है, इसको ध्यान से समझिए, आराम से समझते हैं हम लोग। देखिए, वाई एक्सिस पर वस्तु की कीमत दी गई है और एक्स एक्सिस पर, यहाँ पर एक्स होगा वस्तु की मात्रा होगी, ठीक है। अब इसको समझिएगा, पहले वस्तु की कीमत कितनी थी, पी थी, तो इसकी जो डिमांड थी वो कितनी थी, एन थी, कम थी। लेकिन हुआ क्या, प्राइस इसका कम होके पी वन आ गया, तो इसकी डिमांड देखिए एन वन पर पहुंच गई, यानी कि इसकी जो डिमांड है वो बढ़ गई, नंबर ऑफ क्वांटिटीज, लोग ज़्यादा मांगने लगे, ज़्यादा खरीदने लगे। यही मांग का विस्तार होता है, जिसे इंग्लिश में एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहा जाता है। और इसका देखिए, मांग का विस्तार का जो एरो है वो नीचे की तरफ है, क्यों, जब नीचे की तरफ आएगा तभी उसका प्राइस कम हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ ना। और नीचे की तरफ आया, इसका दूसरा मतलब ये भी हुआ कि नंबर ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा खरीदी गई हैं। जब नीचे आएगा तो नंबर ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा खरीदी गई है, ये भी शो करेगा, और साथ साथ ये भी शो करेगा कि प्राइस में कमी भी आई है, दोनों चीज़ें शो करेगा। तब क्या होगा, मांग का विस्तार होगा, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड होगा।